जय बोलो देवादिदेव एकाधारा श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की। भारत धर्म प्रधान देश है, उत्सव प्रियता यहाँ की संस्कृति है। हम प्रतिदिन कई प्रकार के पर्व और उत्सव मनाकर अपने मन को तरोताज करते हैं। पर्व और उत्सव वो संधि है जो हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज की तिथि में एक साथ दो पर्व घटित हुए हैं। आज 15 अगस्त का दिन है, एक और राष्ट्रीय पर्व है देश की आज़ादी का दिन, और सुबह से पूरा देश जश्न और जुनून में डूबा हुआ है। दूसरी तरफ आज रक्षाबंधन का भी दिन है। हमारे यहाँ कई प्रकार के पर्व है, राष्ट्रीय पर्व, ऐतिहासिक पर्व, सामाजिक पर्व, धार्मिक पर्व और सांस्कृतिक पर्व के भेद से। राष्ट्रीय पर्व आज का है, 26 जनवरी को भी राष्ट्रीय पर्व के रूप में देखा जाता है, गांधी जयंती को भी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। इतिहास में घटित विशेष घटनाओं से जुड़े हुए प्रसंगों को हम ऐतिहासिक पर्व के रूप में लेते हैं। जैन संस्कृति के अनुसार जिस तिथि में श्रुत की संरचना हुई वो ऐतिहासिक तिथि है, श्रुत पंचमी का दिन। तीर्थंकरों के जितने भी कल्याणक है वो इतिहास से जुड़े हुए हैं, वो ऐतिहासिक पर्व के रूप में हम मनाते हैं। बहुत सारे सामाजिक परंपराएं होती है, उस परंपरा के अनुरूप हम लोग पर्व और त्यौहार मनाते हैं। हर समाज में अलग अलग रीतियां हैं, और वो सामाजिक पर्व एक प्रकार से सामाजिक चेतना के संवाहक बनते हैं। बुंदेलखंड में एक पर्व है कजलिया, जो इसी रक्षाबंधन के बाद होता है। वो एक ऐसा पर्व है जो व्यक्ति के जिस व्यक्ति के परिवार में शोक संताप हो उसे तोड़ कर मुख्य धारा में शामिल करने की प्रवृत्ति है। ऐसे अनेक सामाजिक पर्व है। हम लोग अपने धार्मिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जो पर्व मनाते हैं, अष्टानिकवा पर्व है, दशलक्षण पर्व है, या अन्य जो हमारे धार्मिक पर्व होते हैं, वे सब धार्मिक पर्व है जिनमें हम बड़ी रुचि उत्साह उल्लास और उमंग के साथ अपनी चेतना को उद्दीप्त करते हैं। सांस्कृतिक पर्व वो पर्व जो हमारी संस्कृति से संबद्ध विशेष घटनाओं से जुड़े, जिन तिथियों में हमारी संस्कृति के साथ कुछ नया जुड़ा है वो हमारी सांस्कृतिक पर्व के अंतर्गत आता है। हम श्रमण संस्कृति के इतिहास को पलट करके देखते हैं तो श्रमण संस्कृति में ऐसी अनेकानेक घटनाएं घटी है जिन्हें हम सांस्कृतिक पर्व के रूप में देख सकते हैं। जैसे आज का दिन, आज की तिथि में
700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग आया और विष्णु कुमार मुनिराज ने उन 700 मुनियों के उपसर्ग का निवारण किया। समन संस्कृति के इतिहास की दृष्टि से ये पर्व बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। तो मैंने आप सबसे कहा राष्ट्रीय पर्व, ऐतिहासिक पर्व, सामाजिक पर्व, धार्मिक पर्व और सांस्कृतिक पर्व, ये पर्व है। आज संयोग बनाए कि राष्ट्रीय और रक्षाबंधन दोनों एक साथ, लेकिन जब कभी मैं रक्षाबंधन के विषय में विचार करता हूँ तो पाता हूँ ये पर्व ऐसा महापर्व है जो सामाजिक भी है, धार्मिक भी है, ऐतिहासिक भी है, सांस्कृतिक भी है और राष्ट्रीय पर्व भी है। सामाजिक पर्व को तो हम सब जानते हैं, जो सबसे ज़्यादा इसका महत्व दिखता है और उसमें भाई और बहन के संबंध को रूढ़ बना लिया गया है। हालांकि रक्षाबंधन केवल भाई और बहन तक सीमित नहीं रहा, वर्तमान में केवल भाई बहन तक ज़्यादा सीमित दिखता है समाजों में, लेकिन ये पारस्परिक प्रेम और न्याय निष्ठा के साथ प्रतिबद्धता का द्योतक है। हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के द्वारा राखी बांधने की परिपाटी कभी रही है जो आजकल लुप्त होते से जा रही है। वो एक दूसरे की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रमाण स्वरूप बांधा जाता था। इतना ही नहीं, न्याय और नैतिकता के साथ प्रतिबद्धता के लिए भी राखी का प्रयोग किया जाता था। पुराने जमाने में व्यापारी लोग राखी के दिन अपने बाट तराजू पर राखी बांधते थे। अब तो शायद बंद हो गया, चलता है। जो निष्ठावान लोग हैं वो आज भी करते हैं। आ रहा हूं, बाट तराजू में राखी क्यों बांधते? कोई बाट तराजू चुरा के न ले जाए इसलिए नहीं, ये न्याय की तुला है। मैं नैतिकता और प्रमाणिकता की कसौटी पर खरा उतरूं, इस प्रतिबद्धता के लिए बाट तराजू पर वो बांधा जाता था। ये राखी का धागा एक धागा मात्र है, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ संकल्प बहुत व्यापक है। कितनी पवित्र आध्यात्मिकता इसके साथ जुड़ती है। इस कच्चे धागे को कोई स्त्री किसी पुरुष की कलाई में बांध दे, उस दिन से उन दोनों का एक दूसरे के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। कितनी पवित्रता घटित हो जाती है जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, देश विदेश घूमते हैं। उन्होंने बताया वो अमेरिका गए तो अमेरिका में चर्चा आई, बोले भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। बोले नहीं, आप गलत बोलते, यू डोंट नो। बोले क्यों? भारत में महिलाओं का जितना सम्मान है उतना कहीं नहीं है, और हमारे यहाँ भारत में महिलाओं के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए एक दिन रखा गया है, और कोई स्त्री किसी पुरुष के हाथ में एक धागा बांध देती है, उस दिन से उन दोनों का संबंध भाई बहन जैसा हो जाता है। ये पवित्र दृष्टि केवल भारत में है। हालांकि आज राखी तो है, पर राखी के पीछे छिपी हुई अंतर भावनाएं दिनों दिन शुष्क होते जा रही। सब चीज़ें फॉर्मेलिटी का रूप लेते जा रही है, औपचारिक बन करके रह रही है। अब तो बहन भी भाई की जेब देख कर राखी निकालती है। बोले स्थिति बदल गई। जब हमारे संबंधों में आत्मीयता समाप्त होने लगती है, हमारी संवेदना छीन होने लगती है, उनकी मूल भावना नष्ट हो जाती है, तो सारी क्रियाएं महज औपचारिकता बन करके रह जाती। इसके पीछे की अंतर भावना को समझिए।
राखी का सामाजिक महत्व यह है कि हम एक दूसरे के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करें और अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। हमारी सामाजिकता का मूल है परस्परता, प्रेम, आत्मीयता और बंधुत्व की भावना। ये भावना तुम्हारे हृदय में इस राखी के माध्यम से जागृत होनी चाहिए। लेकिन लोग हर क्रिया को एक तक सीमित रख लेते हैं, भाई बहन की बात है, और ये क्यों रखा जाता है इसके पीछे की भी भावना को समझिए। कन्या को हमेशा परग्रह में जाना होता है, इसे पराया धन माना जाता है। धन है पराया, जैसे गीत आप लोग गाते हैं, है ना। अब कन्या अपने घर से पति के घर में चले गई, पति के घर में जाने के बाद भी पिता के घर में उसका कोई स्थान बचा है, इस बात को दर्शाने के लिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। भाई मनोहार पूर्वक बहन को अपने घर बुलाता है और प्रेम पूर्वक बहन उसकी कलाई में राखी के धागे बांधते हैं, जो प्रेम का प्रतीक है। वस्तुतः तो उस सूत के कच्चे धागे हैं, अब तो सब आर्टिफिशियल हो गए, जो थोड़े से खिंचाव से टूट जाए ये प्रतीक है। प्रेम में थोड़ा भी स्वार्थ का खिंचाव आता है तो वो पल में विनष्ट हो जाता है। तो उस बहन को ऐसा लगे कि नहीं, अभी भी मेरा इस घर में स्थान है, और घर वाले को लगे कि नहीं, हमारी बहन है तो क्या हुआ, वो हमारी है, ये भावना बनी रहे। इसके पीछे की मूल भावना यही थी जो आजकल लेन देन में बदल गई। अब तो ये ज्यादा दिखता है कि भैया ने क्या दिया, किसको ज्यादा दिया, किसको कम दिया। ध्यान रखना, जब मनुष्य के साथ स्वार्थ जुड़ने लगता है तो उसकी भावनाएं छीन होने लगती है। प्रेम भावना का परिणाम है, हमें इसे व्यापक संदर्भ में समझना चाहिए। तो अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने की प्रतिबद्धता ही रक्षाबंधन का वास्तविक रूप है। सामाजिक पर्व के रूप में मनाइए। मैं जिस समाज में रह रहा हूं उस समाज का मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है कि नहीं, बोलो। मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में समाज का बहुत बड़ा योगदान है। ये समाज ही है जिसके कारण मैं अपनी नैतिकता और मर्यादा की सीमा में बंधा हूं। ये समाज ही है जिसके कारण मैं अपने संस्कारों और सरोकारों से बंधा हूं। ये समाज है जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा और समझा है। यदि ये समाज नहीं होते तो आज लफंगों की तरह जीवन होता है। है योगदान तो तुम्हें समाज ने एक सभ्य मनुष्य बनाया। तो तुम्हारी जवाबदारी है कि समाज की सामाजिकता को संरक्षित रखो। रक्षाबंधन मनाते समय ये सामाजिक दृष्टिकोण होना चाहिए। मेरे द्वारा ऐसा कोई कृत्य ना हो जिससे समाज का स्वास्थ्य प्रभावित होता हो। समाज के प्रति रक्षा का भाव हम अपने भीतर जागृत करें। समाज के प्रति रक्षा का भाव होगा कब? जब तुम्हारे मन में समाज और सामाजिक जनों के प्रति प्रेम का भाव होगा। जिनसे प्रेम होता है मनुष्य उनके प्रति पूरी तरह आत्मार्पण करने को तैयार रहता है।
और जिनसे प्रेम नहीं होता उनके प्रति कोई मतलब नहीं होता। संत कहते हैं अपने प्रेम को जगत व्यापी बनाओ। आज तुम्हारा प्रेम तुम्हारे खुद के प्रति, तुम्हारे पत्नी के प्रति, तुम्हारे बच्चे और परिवार के प्रति है, ज़्यादा आगे बढ़ा तो कुटुंब तक सीमित है, कुछ व्यक्ति और व्यक्तियों तक सीमित है। इस प्रेम को विस्तार मिलना चाहिए और सुनिश्चित होना चाहिए कि नहीं, मैं सबके प्रति प्रेम का भाव रखूंगा, सबसे मेरी मैत्री की भावना है, मैं इसे व्यापक स्वरूप दूं और उसे की अभिव्यक्ति के लिए प्रथम चरण में समाज में कोई भी व्यक्ति परेशान हो, कष्ट में फंसा है, तो उसके लिए मैं जितना बन सके अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप कोई ना कोई योगदान अवश्य करूं। बंधुओं, इस बात को थोड़ा गहराई से समझना। समाज का तुम्हारे ऊपर ऋण है, उस ऋण को चुकाने का यही उपाय है जब समाज को आवश्यकता हो अपना दिल खोल करके समाज को प्रदान करो, तब तुम आगे बढ़ पाओगे। ये सामाजिक प्रेम है। आज समाज का के ऊपर एक बहुत बड़ी आपदा आई हुई है, वो तुम्हारे ही समाज के अंग है। इस घड़ी आपत्ति में फंसे व्यक्ति को सहयोग करना हर व्यक्ति का दायित्व है, और जिसके हृदय में ऐसी उदारता होती है वो दिल खोल करके आगे आता है। लोग कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। ये सोच अपने हृदय में विकसित होनी चाहिए। उत्तरोत्तर यदि विकसित करेंगे तो हमारा जीवन उल्लसित होगा। तो पहली बात, सामाजिक पर्व के रूप में हम इसे मनाते हैं तो समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता हमें जगानी चाहिए। आज का ये पर्व सांस्कृतिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। थोड़ा सोचो, आज के इस पर्व की कथा को देखो। विभिन्न धर्मों में अलग अलग कथाएं हैं, मैं उस कथा के विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन संक्षेप में कुछ बातें आज आप सबसे कह रहा हूं। जैन संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन कैसे हुआ? धार्मिक रूप से तो आप लोग मनाते ही, पर ये रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाते हैं? आप सबको पता है, मैं बहुत सार में कथा सुना रहा हूं। उज्जैनी में एक मुनि संघ आया हुआ था, वो तपस्या में लीन थे। वहां का राजा मुनि भक्त था। लेकिन उसके मंत्री जैन मुनियों से द्वेष रखते थे। बलि, प्रहलाद, नमुची और बृहस्पति नाम के चार मंत्री थे। अकंपन आचार्य को उज्जैनी में ऐसा आभास हुआ कि यहां कुछ उपद्रव हो सकता है। उन्होंने पूरे संघ को निर्देश दे दिया कि सबको मौन रखना है, मौन रखना है। आचार्य की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए सभी मुनि मौन हो गए। इधर राजा जब मुनियों के दर्शन के लिए जाने को उद्यत हुआ तो मंत्रियों ने मुनियों के बारे में उठपटांग बोलना शुरू किया। राजा परम मुनि भक्त था, राजा ने उनकी बात को नहीं माना, बोला देख लीजिएगा इनको कुछ नहीं आता। और मंत्रियों के साथ जब राजा गया, मंत्री ने महाराजों से बात करना चाहा पर सब महाराज मौन। राजा के समक्ष ऐसा प्रकट किया गया कि
कि इनको कुछ आता जाता नहीं, ये सब ऐसे वेशधारी लोग हैं। मुनियों का उपहास और मजाक उड़ाते हुए चले आ रहे थे, क्योंकि महाराज लोग तो सब मौन थे। संयोग से जिस समय आचार्य महाराज ने पूरे संघ को निर्देश दिया था, उस घड़ी में एक मुनि महाराज उपस्थित नहीं थे। वे आहारचर्या के लिए बस्ती में गए हुए थे। संयोग इधर राजा अपने मंत्रियों के साथ लौट रहा था, उधर से वो मुनिराज लौट करके आ रहे थे, और वह बड़े मेधावी और प्रतिभाशाली थे। उनका नाम था श्रुत सागर। अब जब वो आ रहे थे, इधर से ये लोग जा रहे थे, इनने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया, बातचीत करना चाहा। महाराज को लगा कि भैया ये क्या बात है, महाराज को गुरु के निर्देश का कोई अता पता नहीं। जब वो महाराज से बात करने को उद्यत हुए, तो महाराज ने अपने तर्कों के द्वारा उन सब को धूल चटा दिया। सब पस्त पड़ गए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन वे चारों के चारों अपने आप को अपमानित महसूस कर लिए। जब मानी आदमी अपने आप को अपमानित महसूस करने लगता है, तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। इधर श्रुत सागर मुनिराज खुशी खुशी अपने आचार्य के पास गए और रास्ते की सारी बातें सुनाई। उन्होंने कहा, महाराज आज मैंने ऐसे ऐसे करा और सबको धूल चटा दिया। महाराज ने कहा, तुमने अनर्थ कर दिया, तुम्हें पता नहीं इस कृत्य से पूरे संघ पर उपसर्ग होगा। श्रुत सागर मुनि तो हिल गए, बोले, गुरुदेव ऐसा क्या मेरे द्वारा अनजाने में अपराध हुआ, आप मुझे प्रायश्चित बताओ जिससे संघ बच जाए। बोला, इसका एक ही उपाय है, जाओ उसी स्थान पर जाओ जहाँ तुम्हारा वाद विवाद हुआ, और वहाँ प्रतिमा योग धारण करके 24 घंटे खड़े रहो, ध्यान करो। गुरु आज्ञा को स्वीकार करते हुए जंगल में उसी स्थान पर खड़े हो गए। इधर ये चारों के चारों मंत्री, जिनके अंदर ईर्ष्या की आग और प्रतिशोध की भावना जल रही थी, प्रतिशोध की आग में जो जल रहे थे, चारों ने तय किया कि रात में इन मुनियों का काम तमाम कर दिया जाए। चारों एकांत में तलवार लेके निकले कि रास्ते में वो मुनि मिल गए। ध्यान में मग्न मुनि को देखा तो कहा, पहले इसी को निपटाओ। अब चारों ने कहा, कौन निपटाए? तो चारों में एक भी तैयार नहीं था कि पातक हम अपने सिर पर रखे ले लें, डर था अंदर। तो चारों ने तय किया, चारों एक साथ तलवार का प्रहार करें। और चारों ने जैसी ही तलवार उठाई, वनदेव ने उनके हाथ को कीलित कर दिया। तलवार उठा रह गया और वो पूरी तरह कीलित हो गए, हाथ हिल ना पाए। उन मुनिराज के तप के प्रभाव से उनके हाथ कीलित हो गए। सुबह हुई, भेद खुला। अरे, ये राजा के मंत्री प्रहलाद नमुचि बृहस्पति, बलि प्रहलाद नमुचि और बृहस्पति है, इसने इतना बड़ा पाप कर्म किया। राजा को सारा माजरा समझ में आ गया, राजा बड़ा कुपित हुआ और उन चारों को अपमानित करके देश निकाला कर दिया। वे वहां से चले गए। थोड़े दिन बाद संघ का भी विहार हो गया। इधर संघ विहार करते करते हस्तिनापुर पहुंचा, और इधर ये चारों के चारों हस्तिनापुर के राजा पद्म को एक राज युद्ध में सहयोग करके प्रसन्न कर लिए और उसके मंत्री बन गए। उसे विजय दिलाई तो मंत्र राजा पद्म उन पर प्रसन्न हुआ और कहा कि तुम हमसे कोई भी एक वरदान मांग लो, का आप रखो, जब वक्त आएगा तब हम आपसे लेंगे।
संयोगता मुनिराज अकम्पलाचार्य का 700 मुनियों का संघ हस्तिनापुर में पहुंचा और हस्तिनापुर की नगर की सीमा से बाहर तप में लीन हो गया। राजा बलि आदि चारों को लगा कि बदला लेने का अच्छा मौका है, इनके कारण हमें अपमानित होना पड़ा, आज इनसे बदला लिया जाए। पहुंच गए राजा पद्म के पास कि आपने एक वचन दिया था। हाँ दिया था। बोले आज उसकी हमें आवश्यकता। बोले मांगो क्या मांगो। बोले कुछ नहीं, 7 दिन के लिए आपका राज चाहते, 7 दिन का पावर आप हमें दे दो। राजा पद्म वचन से बंधे थे, अपना पावर दे दिया। और दुष्ट जब शक्ति से संपन्न हो जाते हैं तो केवल और केवल सताने का काम करते हैं, केवल और केवल सताने का काम करते हैं। उनने उपद्रव करना शुरू कर दिया। कहते चारों तरफ कांटे की बाड़ लगा दी और आग लगाकर जानवरों को होमना शुरू कर दिया। उन्होंने एक यज्ञ कर दिया, भयंकर बदबू और धुआं से महाराजों का एकदम जी घुटने लगा। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। मुनि संघ ने इसे अपने ऊपर आया उपसर्ग मानकर सहज भाव से स्वीकार लिया। लेकिन कहते हैं जब धर्मात्माओं पर संकट आता है तो ब्रह्मांड भी हिल जाता है। इसी बीच एक आचार्य ने आसमान में श्रवण नक्षत्र को हिलता हुआ देखा और उनके मुख से निकला हाय ये क्या। वहीं उनके एक शिष्य थे क्षुल्लक, उनने पूछा गुरुदेव रात में कभी आप बोलते नहीं और आज आपके मुख से हाय ये क्या निकला। तो उन्होंने कहा क्या बताऊं, महा अनर्थ हो रहा है हस्तिनापुर में, अकम्पलाचार्य आदि 700 मुनिराजों के संघ पर भयंकर उपसर्ग हो रहा है, उनका उनकी जान खतरे में। महाराज बताइए उनकी रक्षा कैसे हो। उनकी रक्षा केवल एक ही कर सकते हैं, विष्णु कुमार मुनिराज कर सकते हैं। विष्णु कुमार मुनिराज कर सकते हैं, उनके पास विक्रिया लब्धि है, वह विक्रिया के बल पर अपने शरीर का चाहे जैसा रूप बना सकते हैं। तुम जाओ उनसे निवेदन करो। क्षुल्लक को आकाश में गमन करने की विद्या थी, वो आकाश मार्ग से सीधे बाहुबल विष्णु कुमार मुनिराज के पास पहुंचा। ध्यान निमग्न विष्णु कुमार महाराज को झकझोरते हुए कहा महाराज बाहर आइए, वहां संकट है, हमारे गुरुदेव ने आपके पास मुझे भेजा है और आप ही इस उपसर्ग का निवारण कर सकते। विष्णु कुमार महाराज ध्यान से बाहर आए, पूरा माजरा समझा, फिर पूछा अच्छा ये बताओ मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। बोले मेरे गुरुदेव ने कहा आपके पास विक्रिया लब्धि है, आप अपने शरीर का चाहे जैसा रूप बना सकते हैं। उन्हें पता नहीं था इतने महान साधक थे, उतनी बड़ी लब्धि उनके पास है, इतनी बड़ी रिद्धि है, उसका पता नहीं। बोले अच्छा। बोले हाँ। उनने अपना एक हाथ फैलाया, मनुष्य लोक के एक छोर को छू लिया, दूसरा हाथ फैलाया, हाथ बढ़ते बढ़ते दूसरे छोर को छू लिया, वापस अपने आप को नॉर्मल किया, कहा ठीक है अब मैं चलता हूं। राजा पद्म ऐसे तो उनका सगा भाई था लेकिन वचनों में बंध गया, दुष्टों के चक्कर में फंस गया, क्या कर सकता। सबसे पहले राजा पद्म के पास पहुंचा, पद्म से जब बात की तो कहा मुझसे अनर्थ हो गया, मैं क्या करूं, मैं खुद अपने आप में दुखी हूं, लेकिन मैं 7 दिन का वचन दे चुका, मैं कुछ कर नहीं सकता। विष्णु कुमार मुनिराज ने सोचा यहां समय खराब करने से कोई फायदा नहीं। वो राजा बलि जो यज्ञ कर रहा था उसके पास एक बटुक ब्रह्मचारी का रूप धर करके चले गए, अपने मुनि व्रत को छोड़ा
और एक बटुक बौना ब्राह्मण बन करके गए और राजा बलि के पास गए। राजा बलि याचकों को किविच्छक दान दे रहा था। जब अपने सामने आए इस बटुक को देखा तो मजाक उड़ाते हुए कहा, बटुक राज क्या चाहिए? उस बटुक ने कहा, महाराज बड़ा नाम सुना हूँ आपका, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 डग जमीन चाहिए। क्या चाहिए? 3 डग जमीन चाहिए ताकि वहाँ कुटिया बनाकर मैं रह सकूँ। राजा बलि हंसा, कहा, महाराज इतने छोटे से हो, 3 डग जमीन में क्या होगा, और मांग लो। नहीं, मुझे इतना ही चाहिए। महाराज इतनी छोटी सी कुटिया में आप रहोगे, कम से कम इतना तो करो कि हम लोग सत्संग सुनने आ सके तो बैठ सके। बटुक ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, मुझे अगर देना है तो केवल 3 डग जमीन चाहिए, वो भी मेरे अपने पांवों से नाप कर। बलि तो कह चुका था जो जो मांगेगा सो देंगे, बोला ठीक है। ने कहा, ऐसे नहीं, पहले संकल्प लो। बोला ले लेता हूँ। अपने कमंडल के जल से जलांजलि डलवाते हुए बटुक ने राजा बलि को संकल्पित किया। और जब बलि ने निवेदन किया कि आप अपनी 3 डग जमीन नाप लो, तो देखते ही देखते बटुक का रूप इतना बड़ा बन गया कि राजा बलि ऐसे ही देखता रह गया, वो तो आसमान को छू लिए। पहले डग में धरती के एक छोर को नापा, मानुषोत्तर पर्वत तक। दूसरे कदम में दूसरे छोर को नाप दिया, पूरी धरती नप गई। अब तीसरा पैर कहाँ रखूं, आसमान में घूम रहा है पैर। महान विक्रियारिद्धिधारी थे, विक्रियारिद्धि जिनको होती वो अपने शरीर का छोटा बड़ा एक अनुरूप अनेक जैसा रूप धार सकते। अब ये पैर कहाँ रखूं? अब वो बंधा हुआ था बलि, कहते वो अपने घुटनों और पाँव हाथ और घुटनों के बल झुका और अपनी पीठ उनकी ओर कहा कि या कहा महाराज लीजिए अपना पैर यहाँ रखिए। कहते हैं जब विष्णु कुमार मुनिराज ने उस पर पैर रखा, वहीं उसका दम निकल गया, खेल खत्म हो गया। ये विष्णु कुमार मुनिराज की कथा है। वैदिक परंपरा में वामन अवतार की भी लगभग इससे मिलती जुलती कथा है। जब बलि राजा का अंत हुआ, उपसर्ग दूर हुआ, शावकों को चैन आई, सब लोग जाकर के उस बाड़े को हटाए, वहाँ मुनिराजों को मुक्त किया। 7 दिन तक लगातार मुनिराजों पर महान उपसर्ग था, उनने सहन किया। उनका गला रुंध गया था, शावकों ने चौके लगाए, हर घर में चौका था, पारना की, और पारना के लिए क्या करे, गला बिल्कुल छिला हुआ है, 7 दिन का उपवास है। तो श्रावकों ने सबने खीर बनाई और खीर बना करके महाराजों की पारना की। महाराजों की पारना के बाद 700 महाराज थे और हस्तिनापुर पूरी तरह जैन नगरी थी। जिनके चौके में आहार हो गया वो तो खुश थे, जिनके चौके में आहार नहीं हो पाया वो बड़े दुखी हो रहे थे। तो अकम्पनाचार्य ने कहा, नहीं ऐसा करो, जिनके यहाँ आहार नहीं हुआ वो उनके यहाँ आहार कर लो, जिनके यहाँ आहार हुआ है वे उनके यहाँ आहार कर लो, जिनके यहाँ किसी का आहार नहीं हुआ। और उसे चिन्हित करने के लिए धागा बांधा, जो एक बात का प्रतीक रहा कि हम देव गुरु और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे।
ये रक्षाबंधन की कथा है। तब से इस श्रावणी पूर्णिमाशी को रक्षाबंधन की परिपाटी चली। आज भी बुंदेलखंड में लोग रक्षाबंधन में सबसे पहले मंदिर की राखी को रखते हैं। सुबह की शुरुआत होगी, मंदिर में राखी रखी जाती है, पंचों की उपस्थिति में राखी रखते हैं और देव शास्त्र गुरु के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करते हैं, मुनिराजों के लिए राखी समर्पित करते हैं, उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करते हैं कि मैं धर्म और संस्कृति के लिए पूरी तरह समर्पित रहूँगा। बंधुओं, रक्षाबंधन के इस अर्थ को हमें अच्छे से समझना चाहिए। इस संदर्भ में एक विशेष बात देखने की है, विष्णु कुमार महाराज का कितना बड़ा त्याग। वो मुनि महाराज थे, ध्यान में निमग्न थे, पर मुनियों पर आगत उपसर्ग को देखकर उनने अपना मुनि व्रत छोड़ा। मुनि व्रत का त्याग करके उपसर्ग निवारण किया। क्यों? उनके हृदय में धर्म से प्रेम था, धर्मी से प्रेम था। वे प्रेम के बंधन में बंधे थे और इसलिए कह सकते हैं कि संयम के बंधन से भी बड़ा होता है प्रेम का बंधन। चाहते तो विष्णु कुमार महाराज कहते, छुल्लक जी काहे हैरान हो रहे हो, वे महाराज सब पहुंचे हुए हैं, सब आत्म ध्यान में मग्न है, उनमें से इतने को स्वर्ग मिलने वाला है, इतने को मोक्ष जाना है, ऐसा कह सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। ऐसा नहीं कहा क्यों? क्योंकि ऐसा कहते और यदि कदाचित करते तो अकम्पलाचार आदि मुनिराजों को भले ही स्वर्ग और मोक्ष मिल जाता, अकम्पलाचार आदि को निश्चित मिलता, क्योंकि वे अपने आप में सुरक्षित थे, अपने आप को असुरक्षित मान ही नहीं रहे थे। ऐसा करने से भले ही उनको स्वर्ग या मोक्ष मिल जाता, पर मोक्ष मार्ग हमेशा हमेशा को बंद हो जाता। एक सच्चे धर्मात्मा को केवल अपने मोक्ष की चाह नहीं होती, अपने साथ साथ मोक्ष मार्ग की भी चाह होती है। तो उनने सोचा, अगर मैं आज चूक जाता हूँ तो मामला गड़बड़ है। अगर आचार्य विष्णु कुमार ने, मुनिराज विष्णु कुमार ने बलि राजा को सबक सिखा करके सबक नहीं सिखाया होता तो क्या होता? उनने बलि राजा को सबक सिखाकर हमेशा हमेशा के लिए मुनियों की बलि को बंद कर दिया। ये तुम्हारा अपना दायित्व है। जब कोई धर्मी और धर्मात्मा संकट में आए, संकट में फंसा दिखे, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का संकट हो, विपत्ति हो, तो तुम्हें चाहिए तुम उसके लिए अपना हाथ आगे बढ़ाओ, उसको संरक्षण दो, उसके लिए सहयोग करो। ये तुम्हारा धर्म है। तो ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, हम उस लिहाज से अपने धर्म का अनुपालन करें तब हम सच्चे अर्थों में रक्षा बंधन बनाने के अधिकारी होंगे। आज जितने लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, मन में संकल्प लें कि मैं देव गुरु धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए प्राणपण से समर्पित रहूंगा, अपने जीते जी कभी उस पर आँच ना आने दूंगा। ये संकल्प तुम्हारा होना चाहिए। केवल राखी बांधने से कुछ नहीं होगा, मुझे उस पर आँच नहीं आने देना, ये मेरा दायित्व है। बड़े बड़े बलिदानों और कुर्बानियों के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी आना है। तो हमें चार की तरफ अपनी दृष्टि रखना है।
राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहो, समाज के प्रति प्रतिबद्ध रहो, संस्कृति के प्रति प्रतिबद्ध रहो और धर्म के प्रति प्रतिबद्ध रहो। रक्षाबंधन यही बताता है। आज राष्ट्रीय पर्व मना रहे सब, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता तुम्हारी होनी चाहिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। मेरा जो राष्ट्रीय दायित्व है वो मुझे निभाना है, मुझे ऐसा कोई कृत्य कभी नहीं करना जिससे राष्ट्र को नुकसान पहुंचता हो। ऐसी प्रतिबद्धता तुम्हारी होनी चाहिए। आज लोग अपने थोड़े से स्वार्थ के पीछे देश को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो कार्य कभी उचित नहीं। समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बना के रखो। मैं जिस समाज में रह रहा हूँ और रहते हुए अपने सभी सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करूँगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे हमारी सामाजिकता नष्ट होती हो, हमारी सामाजिक परंपरा छिन्न भिन्न होती हो या हमारी सामाजिक रीतियों और नीतियों में गड़बड़ियाँ होती है। सामाजिक प्रतिबद्धता का मतलब ये भी है, केवल समाज में कोई समस्या आए तो कुछ रुपये दे देने का नाम ही समाज के प्रति प्रतिबद्धता नहीं। समाज की सही प्रतिबद्धता सामाजिक संहिता को सुरक्षित रखना है। ये प्रतिबद्धता तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। अपनी संस्कृति के प्रति प्रतिबद्ध रहिए। अपनी सांस्कृतिक चेतना को जीवित रखते हुए संस्कृति का अलख जगाने के लिए प्रयास कीजिए। अब संस्कृतियों से अपने आप को बचाइए और औरों को बचने का मार्ग बताइए। और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता, अपने धार्मिक कर्तव्यों में किसी भी प्रकार की ढील मत होने दीजिए। धर्म को अपने सर्वोच्च प्राथमिकता में रखिए। मेरा जो धर्म है वो मुझे पालना ही है, इसमें मुझे किसी भी प्रकार की ढील नहीं होने देनी है। जिसके हृदय में ऐसी प्रतिबद्धता होती है वो बाकी बातों से रंच मात्र प्रभावित नहीं होता। तो ऐसी प्रतिबद्धता सबको जागृत करे और रक्षाबंधन को साकार करने का प्रयास करे। आज क्षेत्र में आप सब लोग आए, रक्षाबंधन मनाने की दृष्टि से आए, बिल्कुल ये भावनाएं निरंतर बढ़े और हम आगे बढ़े। देश आज आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद कितने वर्ष हो गए, 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। बस हम व्यवस्थागत आज़ादी पाए हैं, हमारी अवस्था भी आज़ाद बने। हमारी सांस्कृतिक चेतना जब तक जागृत नहीं होती तब तक उस आज़ादी का कोई अर्थ है नहीं रहता। हमारे अंदर वह सब बातें एक साथ घटित हो जिससे हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकें। आज काफ़ी कार्यक्रम है, मध्याह्न में यहाँ पर रक्षाबंधन विधान भी 12:30 बजे से है। बहुत उत्साह के साथ आप सब उसे संपन्न कीजिए। उन मुनिराजों के लिए देखिए कितने दारुण उपसर्ग को भी उनने समता से सहन किया। और उन विष्णु कुमार महाराज को देखिए कि उनकी रक्षा के लिए उनने अपना सब कुछ त्याग दिया। बस एक ही प्रेरणा लीजिए, जब कोई संकटग्रस्त दिखे तो मेरे हाथ कभी पीछे ना हो, मेरा हाथ सबसे पहले आगे बढ़े प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ेगा तभी काम होगा। बहुत सारे लोग जो इस वर्तमान की त्रासदी को झेल रहे लोगों के समर्थन के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन इसमें किसी का हाथ पीछे नहीं होना चाहिए। मैं पुनः कहता हूँ, हर कोई अपने अपने गांव समाज में मिल करके इसके लिए धनराशि एकत्रित करे और एकत्रित करके वहाँ भेजे, क्योंकि जो अब तक आया है बहुत थोड़ा, ऊँट के मुंह में जीरा बराबर भी नहीं है। त्रासदी बहुत बड़ी है, पर तुम्हारा छोटा सा योगदान भी उस बड़ी त्रासदी से बचने के लिए एक रास्ता प्रशस्त कर सकता है। जिन लोगों ने भी इसमें अपना योगदान दिया है वे शीघ्रातिशीघ्र, जैसा अभी आपको सूचना दी गई, इसे भेजे ताकि समय पर उसे वहाँ पहुँचाया जा सके और उसका सदुपयोग हो सके। और आप सब लोग एक दूसरे को प्रेरित करें तभी रक्षाबंधन बनाना सार्थक होगा। आज रक्षाबंधन का दिन है। मैंने कल कहा था दो मिठाई कम खा लेना, अपनी बहन को पैसे कम कर देना, लेकिन इस काम को मत छोड़ना। बहनें भी सोचे कि आप, मेरे भाई ने मुझे जो पैसा दिया है
वो पैसा मैं अपने साधर्मी भाइयों के लिए लगा दूं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। मेरे लिए इतने पैसे से कुछ नहीं होगा, लेकिन उनके लिए बहुत कुछ हो जाएगा। ये सोच अपने भीतर विकसित कीजिए और सभी लोग इसमें आगे आए। मंदिरों और ट्रस्टों से जुड़े हुए लोग भी अपने सरप्लस पैसे को उसका एक अंशदान इस मानवता पर होने वाली त्रासदी के निवारणार्थ रखते हैं तो बहुत ही अच्छा कार्य होगा। आप सब उसका अनुपालन करें। इसी स्वभाव के साथ मैं विराम लूँगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।